चैप्टर 13 में हम कहाँ तक पहुंचे थे कि लोकमान्य जी को उनकी जो 6 वर्ष तक के वो रहे वहां तक उन्होंने अपनी लाइफ में अपने जीवन में उन्होंने 6 वर्ष अपने काटे और उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया। उन तक कोई अखबार नहीं पहुंचने दिया जाता था। ये वाला पैराग्राफ है। उन तक कोई अखबार पहुंचने नहीं दिया जाता था। उनकी जैसी प्रतिष्ठा और स्थिति वाले नेता को बाहरी दुनिया के घटनाचक्रों से एकदम अलग कर देना एक तरह की यंत्रणा थी। इस यंत्रणा को जिसने भुगता है वही जान सकता है। इसके अलावा उनके कारावास की अधिकांश अवधि में देश का राजनीतिक जीवन मंद गति से खिसक रहा था और इस विचार से उन्हें कोई संतोष नहीं दिया गया होगा। जिस उद्देश्य को उन्होंने अपनाया था वह उनकी अनुपस्थिति में किस गति से आगे बढ़ रहा है। उनकी शारीरिक यंत्रणा के बारे में जितना कम कहा जाए बेहतर होगा। वे दंड संहिता के अंतर्गत बंदी थे और इस प्रकार आज के राजबंदियों की अपेक्षा कुछ मायनों में उनकी दिनचर्या कहीं अधिक कठोर रही होगी। इसके अलावा उन्हें मधुमेह की बीमारी थी। ठीक है, तो लोकमान्य तिलक जी के बारे में एक पत्र में सुभाष चंद्र बोस जी लिखते जाते हैं और वो क्या क्या लिखते हैं कि उन्होंने जितने भी वर्षों तक जेल में काटा अपना समय, वो अपने आप को जिस तरह ढाल चुके थे और जिस तरह उनको मिलती थी वो जो शोषण होता था उनका, उनको जो सजा मिलती थी वो क्या क्या थी। अखबार नहीं पहुंचाया जाता था, कई बार खाना भी नहीं दिया जाता था, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न होता था। उत्पीड़न का मतलब जैसे कि कभी कभी मेंटली डिस्टरबेंस किया जाता था, कभी कभी जानबूझकर चोरी का इल्जाम लगा देना, कभी कहीं पर खाना नहीं देना, जबरदस्ती का मारपीट, इस तरह से उनको कठोर से कठोर यंत्रणा दी जाती थी। समझ में आया बेटा यहाँ तक? यस मैम, यस यस हाँ, मैम, उनको उनको डायबिटिक की बीमारी थी, उनको शुगर की बीमारी थी। जब लोकमान्य यहाँ थे मांडलिक का मौसम तभी प्रायः ऐसा रहा होगा जैसा वह आजकल है। और अगर आज नौजवानों की शिकायत है कि वहां की जलवायु शिथिल कर देने वाली और मंदाग्नि तथा गठिया को जन्म देने वाली और धीरे धीरे वह व्यक्ति के जीवन शक्ति को सोख लेती है, तो लोकमान्य जी जो वृद्ध थे उनका कष्ट झेला कितना होगा। जैसे कि अगर कोई वृद्ध है आपके घर में, कोई बुजुर्ग इंसान है आपके घर में और उनको एक ऐसा मौसम दिया जाए जहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, जहाँ पर बारिश हो रही है, जहाँ पर गर्मी पड़ रही है, और एक ऐसे वृद्ध जिनको डायबिटिक है, जिनको खाना नहीं दिया जाता, तो उनको ये सब झेलना एक सिंपल और नॉर्मल व्यक्ति जैसे कि हम अभी 14-15 साल, 21-22 साल, 30-40 साल के बच्चे हैं, और अगर इनको ऐसी जगहों पर रखा जाए तो क्या वे अपना जीवन उतने दिन तक झेल पाएंगे? नहीं ना। लेकिन लोकमान्य जी अपने देश की खातिर वो सब करते थे, वो सब झेलते थे। उनके जीवन का वो सब चीज उन्होंने झेला जो एक वृद्ध अवस्था में, एक बुजुर्ग अवस्था में कोई इंसान नहीं झेल पाता है। गुड मॉर्निंग बेटा। लेकिन इस कारागार की 4 दीवारी में उन्होंने क्या यातनाएं सही, इसके विषय में लोगों को बहुत कम जानकारी है। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं कि उनकी छोटी छोटी बातों का जो किसी बंदी यानी कि किसी कैदी के जीवन में सुइयों की तरह चुभन बन जाती है और जीवन को दुर्भर बना देती है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? आगे बढ़ू? यस यस मैम, मैम। यस मैम।
अब देखिए ये वाला पैराग्राफ, वे गीता की भावना में मग्न रहते थे इसलिए शायद उनका दुख और उनकी यात्राओं से ऊपर रहते थे, यही कारण है कि उन्होंने उन यंत्रणाओं के बारे में किसी से कभी एक शब्द नहीं कहा। समय समय पर मैं इस सोच में डूब जाता हूँ। कौन है बेटा? माही सोनी, नोट रखो। समय समय पर मैं इसी सोच में डूब जाता हूँ कि लोकमान्य को अपने बहुमूल्य जीवन के 6 लंबे वर्ष इन परिस्थितियों में बिताने के लिए विवश होना पड़ा। हर बार मैंने अपने आप से पूछा, अगर नौजवान को इतना कष्ट महसूस होता है तो महान लोकमान्य अपने समय में कितनी पीड़ा सहे होंगे। एक यंगेस्ट पर्सन अपने लाइफ में इतना सब नहीं झेल पाता है, या तो मेंटली वो डिस्टर्ब रहेगा या फिर फिजिकली डिस्टर्ब होकर वो सुसाइड कर लेगा। इतना सब कुछ झेलने के बाद वो शायद ही बोल पाएगा कुछ कि मेरे साथ इतना कुछ हुआ है। आज के टाइम पर अगर हम ये सब झेलते हैं तो शायद ही कोई व्यक्ति जिंदा रह पाएगा। लेकिन लोकमान्य जी के साहस की अभूतपूर्व ये जो घटनाएं हुई हैं, उनको जितनी यंत्रणाएं दी गई हैं, जितनी पीड़ा उनको दी गई, जितना उनका शोषण किया गया, शायद ही किसी और को ये सब लगे, ये सुभाष जी कह रहे हैं। कितनी पीड़ा सहरी होगी इस विषय में जिस उनके देशवासियों को कुछ भी पता नहीं रहा होगा। यह विश्व भगवान की कृति है, लेकिन जेलें मानव के कृतित्व की निशानी है। उनकी अपनी एक अलग दुनिया है सभ्य समाज में, जिन विचारों और संस्कारों को प्रतिबद्ध होकर स्वीकार किया गया है वे जेलों में लागू नहीं होते। आत्मा के ह्रास के बिना बंदी जीवन के प्रति अपने आप को अनुकूल बनाकर चल पाना आसान नहीं है। इसके लिए हमें पिछली आदतों को छोड़नी होती हैं और फिर स्वास्थ्य और स्फूर्ति बनाए रखनी होती है। सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि आज के देशवासियों को क्या पता होगा कि लोकमान्य जी ने इतना सब कुछ सहा है। ये भगवान की कृति है, ये भगवान का नेचर है कि उन्होंने जो जिस व्यक्ति को जो सहने के लिए दिया है वो सह पाता है, लेकिन उससे ज्यादा वो नहीं सह पाता है। तो जेलें जो होती हैं, जो कैदी जीवन की अनुसार नहीं चलती हैं, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपका डेली रूटीन ऐसा है कि आपको सुबह उठना है, पढ़ाई करना है, नाश्ता करना है, फिर दोपहर होते ही सो जाना है थोड़ा, फिर शाम को थोड़ा खेलना है, फिर पढ़ाई करना है, फिर खाना खाना है, फिर सो जाना है, ये आपका डेली रूटीन है। लेकिन अगर मान लो कोई व्यक्ति जेल में है तो उसका जो दिनचर्या होगा, उसका जो रूटीन लाइफ होगा, वो कैसे होगा? सुबह उठो, बिना खाना खाए काम करो, तब तक काम करना है जब तक आपको बोला नहीं जाता, फिर दोपहर में खाना देंगे, थोड़ा सा खाना देंगे जिससे पेट ना भरे, और फिर ऐसा रूटीन लाइफ जो हम सबकी लाइफ से बिल्कुल अलग हो। तो उस विषय में अगर हम बात करें कि हमको कोई जेल में डाल दे तो हमारी जो डेली रूटीन लाइफ है वो कितनी चेंज हो जाती है। बस यही बात है कि हमको अपने जीवन का वो अमूल्य भाग जिसे हमने अब तक नहीं जिया है वो सब हमको जीना पड़ता है जेल। समझ में आया बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अपनी अपनी आत्मा के ह्रास के बिना, ह्रास का मतलब होता है जैसे कि आपके जिससे मान लो आपके पास कोई चीज है वो धीरे धीरे टूट रही है या धीरे धीरे वो स्क्रीन शेयरिंग शो नहीं हो रहा है मैम। क्या शो हो रहा है? क्या शो नहीं हो रहा है? स्क्रीन 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 अब हुआ? यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो यही बात है कि जिस जैसे आपके पास कोई चीज है और वो धीरे धीरे टूट रही है, बिखर रही है, धीरे धीरे वो टूटती जा रही है, कोई प्यारी सी चीज है, बिल्कुल सेम वैसे ही होता है
की आत्मा का यहाँ पर ह्रास होता है। जैसे आप एकदम खुश रहने वाले इंसान जो है धीरे धीरे दुखी होने लगते हैं, धीरे धीरे वो समझना बंद कर देते हैं कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये होता है आत्मा का ह्रास। आत्मा की ह्रास के बिना बंदी जीवन के प्रति अपने आप को अनुकूल बना पाना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए हमें पिछली आदतों को छोड़ना पड़ता है, फिर अपने स्वास्थ्य और स्फूर्ति को बनाए रखना पड़ता है। केवल लोकमान्य जैसा दार्शनिक ही इस यंत्रणा को, दास्ताओं को, अपनी मानसिक संतुलन को बनाए रख सकता था। गीता भाष्य जैसे विशाल और युग निर्माणकारी ग्रंथ का प्रणयन कर सकना बड़ा ही मुश्किल था। गीता भाष्य, आपके घर में गीता होगा, आपने उस गीता को अगर देखा होगा कभी तो उसमें संस्कृत के श्लोक दिए हैं, उसे मराठी भाषा में या संस्कृत भाषा में अनुवाद करके लिखना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन लोकमान्य जी ने इतना सब कुछ सहने के बाद गीता भाष्य जैसे युग निर्माणकारी का मतलब होता है उस स्थान को, उस युग को, जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जब तक वो प्राइम मिनिस्टर है तब तक कितना कुछ बदलाव कर दिया है। स्वच्छता अभियान से लेकर हर वो चीज को उन्होंने पूरी तरह से बदल दिया है। तो उन्होंने क्या किया है, युग को बदल दिया है। ठीक वैसे ही ऐसे चीजों का निर्माण करना जिससे हम सभी का लाइफ बदल जाए, रूटीन बदल जाए या हमारी सोच बदल जाए, ऐसा चीज का ग्रंथ का निर्माण किया था उन्होंने। मैं जितना ही इस विषय का चिंतन करता हूँ उतना ही ज्यादा मैं उनके प्रति आदर और श्रद्धा में डूब जाता हूँ। हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम उस इंसान के बारे में कितना भी बोल ले, हमारे आत्मा में, हमारी समझ में उनके प्रति एक आदर व्यवहार, एक आदर्श व्यवहार समर्पित होता है। आशा करता हूँ मेरे देशवासी लोकमान्य जी की महत्ता को आंकते हुए इन सभी तथ्यों को भी दृष्टिपथ में रखेंगे। और जो महापुरुष मधुमेह जैसे पीड़ित होने के बाद इतने सुदीर्घ कारावास को झेलते गए और अंधकार में जीवन में अपनी मातृभूमि के लिए अमूल्य भेंट तैयार की, ऐसे विश्व के महापुरुषों की श्रेणी में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए। लेकिन लोकमान्य जी ने प्रकृति के जिन अटल नियमों को अपने बंदी जीवन के दौरान टक्कर दी, उनको अपना बदला लेना ही था। अगर मैं कहूँ तो मेरा विश्वास है कि लोकमान्य जी मांडले को अंतिम नमस्कार किया था और उनके जीवन के दिन जो गिने चुने रह गए थे, निसंदेह यह एक गंभीर दुख है। महानतम पुरुषों को इस प्रकार खोते रहना, सोचता हूँ यह कोई दुर्भाग्य किसी न किसी प्रकार टला नहीं जा सकता था क्या। आदर पूर्वक आपका स्नेह भाजन सुभाष चंद्र बोस। इस पूरे कहानी में, इस पूरे मतलब पाठ में सुभाष चंद्र बोस जी ने लोकमान्य जी के उस जेल के कारावास के जीवन को दार्शनिक किया है। जिस चीज को हम सिर्फ समझ सकते हैं उसे उन्होंने दर्शन दिए। दार्शनिक का मतलब होता है कि जब हमको कोई चीज नहीं पता होती है लेकिन लिखने वाले ने ऐसा लिखा होता है कि वो चीज दृश्यबद्ध हो जाती है, ऐसा लगता है कि हमें वो दिखाई दे रहा है, उसे कहते हैं दार्शनिक। ऐसे ही सब मानवीय घटनाओं को या ऐसे सब घटनाओं को जो चरित्र किया गया है सुभाष चंद्र बोस जी ने, केलकर जी को जो पत्र लिखा है, केलकर जी ने इस पत्र को पढ़कर बहुत दिनों तक सोचा कि मैं क्या करूं, लेकिन उनका यह पत्र प्रिंट आउट किया गया और प्रिंट आउट करने के बाद आज जो आप पढ़ रहे हो ये उनके एक सौभाग्य होगा लोकमान्य जी का कि आप लोग पढ़ पा रहे हो। देशवासियों को इसका एक सबूत देना था कि देखो हमारे जो गुलाम लोग थे जिन्होंने देश की आजादी में इतना सब सहभागी किया, वो कितना कुछ जुल्म सहकर हमारे देश को आजादी दिलाया। बस यही केलकर जी चाहते थे कि देशवासियों को पता चले कि लोकमान्य जी कैसे इंसान थे और उस समय के जितने भी लोग थे, सिर्फ लोकमान्य जी नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने
अपने अपने खून, अपने अपनी आजादी, अपने अपनी मृत्यु से इस देश को आजादी दिलाई। वो सिर्फ कर्मठ नहीं थे, वो सिर्फ कर्म नहीं करते थे, वो देश के लिए जीते थे। क्लियर है बेटा सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। केलकर कौन थे? जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस का पत्र लिखा था। केलकर एक संपादक थे बेटा। उन्होंने प्रिंट आउट करवाया था। केलकर क्या थे मैम? केलकर केसरी पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, आप लोग ने अभी तक चैप्टर 12 तक के पूरा लिख लिया सभी बच्चों ने? यस मैम। नो मैम, सबका कंप्लीट है? सबका कंप्लीट है ना मैम? यस मैम। यस मैम। मैम यस मैम। मैम मेरी कॉपी कंप्लीट नहीं है, गाइड से पढ़ सकते हैं? क्यों, ऐसा क्यों करना चाहते हो आप लोग? आपको मालूम है ना कि आपका हाफ ईयरली स्कूल में आकर लिया जाएगा। मैम एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से ऑनलाइन नहीं कर रही थी मैम, इसीलिए मैं गाइड ले ली। क्या, लेकिन अपना कोर्स पूरा रखो, ठीक है? यस, कोर्स पूरा रखो, लिखते रहो और कोर्स पूरा रखो। लिखोगे तो आपका अभ्यास बना रहेगा। मैम आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है। श्वेता म्यूट हो जाओ। यस मैम। हाँ नोट हो जाओ। हाँ मैं ये कह रही थी कि अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो लिखने का, तो आप हाफ ईयर में स्कूल आकर जब लिखोगे तो स्पीड बनी रहेगी। 2-2.5 घंटे का अगर पेपर होता है, ये 1-1.5 घंटे का पेपर होता है, उसमें आप अपना पूरा क्लास का जितना जो आएगा क्वेश्चन आएगा वो आप जल्दी जल्दी लिख सकते हो। स्पीड बढ़ो बेटा, तो लिखने की आदत डालो, है ना? और जो बच्चा हाफ ईयरली में यहाँ पर स्कूल में नहीं आएगा, उसे मार्क्स भी नहीं दिया जाएगा, ना ही उसका रिकॉर्डेड होगा कोई चीज। ये याद रखना आपको। मैम सिलेबस कब तक आएगा? दिवाली के बाद। ठीक है, दिवाली तक के रुक जाओ। दिवाली तक जितना कोर्स कंप्लीट होगा मैं आपको बता दूंगी ग्रुप में भी, और जहां भी आप लोग हो एड वहां भी। ठीक है? ओके मैम। ओके ओके मैम। ओके मैम। ठीक है बेटा, लेफ्ट होते जाओ। और इसका जो चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है मैं आपको कल भेज दूंगी, कल या परसों। ओके मैम। ओके मैम। यस मैम। ओके मैम। ओके मैम। गौरव ये करना अलाउड नहीं है आपको। ठीक है बेटा, लेफ्ट होते जाओ। यस।